इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन के बारे में, मतलब उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये वीडियो हमारी सीरीज मिशन 100x100 का 11th वीडियो है, मतलब शुरू के 10 चैप्टर्स की वीडियो बना चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, जिसके लिए मैं काफी दावे से कह सकता हूँ उनमें से क्वेश्चंस आने वाले, जैसा बताया है मैंने उस तरीके से तो सारे आने वाले, और जिस नंबर के हिसाब से ग्रुप बनाए उनको जिनसे क्वेश्चंस बताए तो ये बात श्योर है उतने नंबर के उन ग्रुप के लिए क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर अच्छे से नहीं किए हैं तो उनको करके देखो, ग्रुप के बारे में पता नहीं हो तो फर्स्ट वीडियो देखो। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में, और केवल क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चाहिए थोड़ा सा आगे बढ़ा देना वीडियो, और वैसे भी आगे इतनी ज्यादा बातें तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर केवल एक क्वेश्चन आने वाला है, वो भी 5 मार्क्स का है। और अच्छी बात यह है कि इसमें डिलेटेड पोर्शन है, और डिलेटेड पोर्शन में जो चीज कटी है वो है सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन, और ये हमारी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसके एग्जांपल कंटेन करते था केवल एक क्वेश्चन को छोड़ के। तो एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन आने वाला है वो या तो 11.2 से आएगा या 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, और जहां तक मेरे को लगता है ये दोनों एक दूसरे के ओर में आने वाले हैं। पर यह बात तो गारंटेड है कि टेंजेंट का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन को कर लेना, मतलब अगर ग्रुप फर्स्ट के बच्चे हो और ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते हो तो केवल 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड इतना ही कर लेना, ज्यादा भी मत करना, केवल ये दो क्वेश्चन करके चले जाना। और ज्यादा कर सकता है तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को कर लेना। ऐसे ही से ग्रुप बी करना है तो केवल 11.2 के क्वेश्चन कर लेना, उसका एक एग्जाम्पल तो नहीं है पर कंस्ट्रक्शन सिखा रखा है। और ग्रुप थर्ड के बच्चे वो भी 11.2 को कर लेना पूरी, और वो एक अकेला क्वेश्चन करना रहेगा 11.1 का, वो कर लेना। इसमें एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 काफी बड़ा है, तो ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड के बच्चे अगर दोनों छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, मतलब इतना टफ नहीं है, बट इसके आने के चांस नहीं है, कुछ भी कर लो ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, तो ये छोड़ सकते हो तुम। और फिर गिनती के तुम्हारे पास 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे 11.2 से और एक क्वेश्चन 11.1 से, इसको अच्छा से कर लेना। अब चले हम क्वेश्चन बैंक के ऊपर। तो ग्रुप फर्स्ट के बच्चे जो बताए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनके अलावा कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को देख लेना, और अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को तो बहुत अच्छे से कर लेना, हो सकता है कुछ डिजिट विजिट चेंज हो जाए पर क्वेश्चन इस टाइप पे आने के चांस है। और अगर दूसरा क्वेश्चन देता है तो इसका मतलब और में हमें 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिल सकता है, तो ग्रुप फर्स्ट के बच्चे थोड़ी सी मेहनत कर लेना और फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी है। क्वेश्चन बैंक में इस चैप्टर से केवल और केवल 4 क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें दिया है ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, आगे बोला है एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द 2 पार्ट्स। उसके बाद इनको मतलब इस लाइन को 5:8 में डिवाइड करना है। तो देखो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर नंबर 11 के वीडियोस देखो, उसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बनाना सिखा है और हर एक चीज पॉइंट वाइज सिखाई है। अभी भी सिखाने तो वाले पर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं बताने वाले, नॉर्मली बोल देंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होती भी बहुत सरल है, और हाँ बहुत कम को दिक्कत होती है, पर कुछ कुछ दिक्कतें होती है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो तुम जो लिख रहे जो बना रहे उसी को लिखते जाओ, चाहो तो साथ में लिखते जाओ तो कोई स्टेप छूटेगी नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमने एक लाइन खींची ए बी, या लाइन सेगमेंट खींचा ए बी 7.6 सेंटीमीटर का। इसके बाद यहाँ पे हम 2 पैरेलल लाइन बनाएंगे, और इस बात को भी लिख देंगे कि यहाँ पे हमने ए एक्स और बी वाई बनाई है जो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन की तो बनाएंगे कैसे, तो ये दोनों एंगल सेम रखेंगे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर सेम है तो ये लाइन पैरेलल होंगी। और ये कैसे बना, तो मनचाहा आर्क लो और यहाँ पे कट लगाओ, उतना ही आर्क लेके यहाँ पे कट लगाओ, वो कितना भी बड़ा बन सकता है। इसके बाद यहाँ इसको मेजर कर लो और यहाँ पे मार्क कर दो, तो जहां पे निशान है उसको घिस लो। ये तो तुम अपनी इच्छा से बनाओगे, ये मेजर करोगे और यहाँ पे वो एंगल बना दोगे, ठीक है ना। अभी हमको कहा था 5:8, तो 5 पहले बोला 8 बाद में बोला, तो जो पहली वाली लाइन है या रे है ए एक्स, इसके 5 टुकड़े करेंगे इक्वल,
वही कंपास का मनचाहा आर्क लिया और घिसते गए घिसते गए घिसते गए ऐसा करके पास तक नाम दे दो इसको A1, A2, A3, A4, A5। नीचे 8 है तो सेम जितने अभी हमने लंबे टुकड़े खींचे उतने के उतने अभी वापस खींचेंगे और ऐसे 8 टुकड़े बनाएंगे और इनको नाम दे देंगे B1, B2, B3 करके B8 तक। ध्यान रखना शुरू वाला A है उसके बाद A1 आया है। ओके अभी हमें 5:8 करना था इसलिए 5A5 और B8 को आपस में मिला लेंगे और वो AB को जहां काटेगा वहां पे C नाम दे देंगे और लिख देंगे कि AC रेशियो CB इज प्रोपोर्शनल टू 5:8 और यह हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके अब क्वेश्चन बैंक का दूसरा क्वेश्चन देखें जो कि 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इस वाले क्वेश्चन को और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को ग्रुप फर्स्ट के बच्चे काफी अच्छे से कर लेना और ये दो क्वेश्चन कर लेना चाहो तो, इसके अलावा नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन में दिया ड्रा सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे मतलब रेडियस और एक सर्कल बना देंगे। ठीक है मतलब रेडियस खींचने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट मेजर करो और सर्कल खींच दो सेंटर को नाम दे दो ओ। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे जिसमें 6 सेंटीमीटर की तो हमने रेडियस खींची है तो 4 सेंटीमीटर और लंबा खींच दो मतलब नाप के खींच दो पूरा 10 सेंटीमीटर का और नाम इसको दे दो पी। ठीक है ये 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब इस पॉइंट से हमें इसके ऊपर दो टेंजेंट खींचने तो यहाँ जो करने वाले वही खास चीज है। सबसे पहली बात जो करने वाले वो है कि ओपी का मिड पॉइंट ढूंढने वाले और मिड पॉइंट ढूंढने का सिंपल तरीका होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए जो भी लाइन का वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है उसके आधे से ज्यादा लेंगे एक ऊपर और एक नीचे आग खींचेंगे फिर पी से सेम जितनी हाइट यहाँ से लिया हमने या लेंथ लिए उतनी की उतनी यहीं से लेंगे और वापस से इंटरसेक्टिंग आग खींच देंगे मतलब यहाँ कटेगा वो इसको मिलाएंगे जहां पॉइंट मिलेगा हमको वो हमारा काम का पॉइंट है रियलिटी में अंदर आएगा बाहर नहीं आएगा ये तो इसे सेंटर मानते हुए मतलब इसको नाम एम दे देते और एम पी या एम ओ दोनों से कोई सी भी रेडियस ले सकते हो तो दोनों 5-5 की रहेंगी और खींचोगे सर्कल तो ये ओ और पी को मिलाते हुए सर्कल बन जाएगा और ये पुराने सर्कल को दो पॉइंट पर काटेगा जिसका नाम हम ए और बी रख देंगे। अब यह वाला सर्कल थोड़ा लाइट खींचना क्योंकि हमें टेंजेंट खींचना क्या बोला था तो हम ए और पी को मिला देंगे ऐसे बी और पी को मिला देंगे ये हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएंगे। ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बैंक के हिसाब से और हमारी बुक का भी मतलब 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ही ये वो क्वेश्चन है। इसमें दिया है ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर बना लिया 3 सेंटीमीटर रेडियस मान लिया हम तो ओ सेंटर का नाम दे दिया। टेक 2 पॉइंट पी एंड क्यू ऑन इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। अभी डायमीटर को एक्सटेंड करना है और 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें पॉइंट बनाने तो पहले तो डायमीटर को बनाया हमने इसको लंबा कर दिया सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए ये बात ध्यान में रखते हुए पी और क्यू दो पॉइंट बना लिए। आगे ड्रा टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दिस 2 पॉइंट पी एंड क्यू। कॉपी क्वेश्चन है बस दो साइड में बनाना है लाइन मिल गई जैसे यहां मिली थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है इसका ताकि मिड पॉइंट मिल जाए तो वही ऊपर एक आर्क नीचे एक आर्क फिर इस वाले पॉइंट से ऊपर एक आर्क नीचे एक आर्क जहां भी मिलेगा मिला देंगे जो पॉइंट मिलेगा उसे नाम दे देंगे और सेंटर और वहां तक रेडियस मानते हुए एक सर्कल खींच देंगे सर्कल थोड़ा लाइट खींचेंगे ये लाइनें भी लाइट खींचेंगे उसके बाद जहां भी मिला है उसको ए बी नाम दिया और पी ए और बी पी आपस में मिला दिया तो यह टेंजेंट बन गया। इस साइड में भी करना है तो इस साइड में भी सेम करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे उसके बाद सर्कल खींचेंगे जो दो पॉइंट मिलेंगे नाम दे देंगे उनको नेक्स्ट कुछ भी दे देंगे जैसे सी डी और फिर क्यू से भी उनको मिला देंगे तो ये रिक्वायर्ड टेंजेंट बन जाएंगे। तो सिंपल है तो ये भी पॉसिबल है आने के लिए पर इसी पैटर्न में अगर ये अच्छे समझ में आ गया तो ये तो आराम से कर लोगे तुम। अब क्वेश्चन बैंक का लास्ट क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें दिया ड्रा अ लाइन सेगमेंट एबी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एक 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर
अगर यहाँ ए नाम दे या बी नाम दे तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए एक सर्कल खींचना है। टेकिंग बी एज सेंटर ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसको सेंटर मानते हुए 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींच दिया। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसका मतलब इस सर्कल के ऊपर बी से बनाना है हमें दो टेंजेंट और इस सर्कल के ऊपर ए से बनाना है हमें दो टेंजेंट। तो पहले जैसा क्या वैसा वैसा ही है, बस ये चीजें एक्स्ट्रा आती जा रही है। वही चीज सबसे पहले ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देते हैं, उसकी वजह से हमें इनका सेंटर मिल जाएगा। तो श्योर इट इज सेंटर ये होने वाला है क्योंकि रेडियस 4 सेंटीमीटर है, टोटल 8 सेंटीमीटर है, तो यहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो अगर तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं खींचो और लाइन के थ्रू बता दो, मतलब कंस्ट्रक्शन में लिख के बता दो या ऊपर लिख के बता दो कि ये इसका मिड पॉइंट होगा ऐसा करके, और यहाँ पे एक सर्कल खींच देंगे, मतलब इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए और नाम दे देते इसका एम और एक सर्कल खींच देते, तो श्योरिटी से वो ए और बी दोनों को टच करेगा। ठीक है, अभी जहां उसने ये ए सेंटर वाले सर्कल को काटा वहां हम नाम दे देते पी क्यू और बी वाले पे आर एस। अभी बी को पी से मिला दो और बी को क्यू से मिला दो, तो ये दो टेंजेंट हो गए बी से इस सर्कल पे, और ऐसे ही ए से आर को मिला दो और ए से एस को मिला दो, तो ये इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट हो जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन काफी इजी है, ये चार क्वेश्चन भी करके जाते हो तो काफी सफिशियंट रहेगा, क्योंकि अगर कुछ अलग आएगा तो इनसे मिलता जुलता आएगा और बहुत ज्यादा अलग नहीं आ सकता जो हमको याद नहीं है ऐसा कुछ। तो सभी ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, उतना करो, कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके।